everyone, good morning. Today 6-4. Okay. इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो वर्ड आएंगे वो एक तरह का कंजंक्शन का भी काम करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, देखेंगे कौन कौन है इसके डीप, फिर हम लोग एक दो दिन के बाद या फिर कभी करेंगे, मतलब हमारी एक्सरसाइज हो जाए, इसके बाद भी हो सकता है या बीच में भी कर सकते हैं कभी, है ना। देखेंगे इसमें एक है हु, दूसरे हुज, विच, दैट। इसका मतलब तो आप सभी को पता होगा, है ना। हु कब करते हैं हम लोग, अब ये एक तरह का आप लोगों को हिंट्स मिलेगा। ठीक है, परिचय में ये हम हु की यूज केवल पर्सन में करेंगे, और ये हुम कब करते हैं बताइए, कोई किन्हीं को याद नहीं है, मीन्स आप लोग उलट पुलट कर नहीं देखते हैं ना। व्यक्ति संपर्क में करते हैं, और ये करते हैं अधिकार हक में। ठीक है, और ये विच वस्तु जानवर या व्यक्ति समूह चुनाव में, ये सेम है। हाँ, अगर विच में आपको डाउट हो जाए तो दैट को लगा देना, हालांकि दैट को हम लोग बाद में फिर करेंगे, दैट की अलग भी कंडीशन है। एक वाक्य बोलो, बोलो। जो आदमी कल आया था वह चला गया है। यही है, सेंटेंस में नाउन का
रिलेट बताता है ना, रिलेट होता है ये सारा वर्ड आपको नाउन से। क्या करेंगे? जो आदमी कल आया था वह चला गया, तो यहाँ पर आदमी के लिए द यूज करेंगे, द क्या आदमी का, द मैन हु आया था कैम कल यस्टरडे। यस्टरडे खत्म हो गया ना, तो यहाँ कॉमा दे दीजिए। ये कॉमा देने के बाद ये नहीं कि आपकी बात जो है खत्म हो गई है ना, आपके बात यहाँ खत्म नहीं होते हैं, अभी और भी हैं। कॉमा देने का मतलब ये होता, वह चला गया है, has gone away, अब ये खत्म है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्लाउज कहते हैं। जो क्लाउज में और सेंटेंस में अंतर ये था ना, ये जो आदमी कल आया था वह चला गया है, द मैन हु केम यस्टरडे हैज गॉन अवे। क्या कहते हैं? गो नहीं कहते हैं, तो गा, वो सब चीजें बाद में करेंगे। चलिए दूसरी बोलिए। दूसरी, जिस लड़की को आपने दंड दिया था वह आज नहीं आया है। जिस आदमी लड़के दंड दिया था वह नहीं आया है, वह आज नहीं आया है। नहीं आया है ना, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? The boys, क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड क्या रखेंगे? Whom आया, Whom कौन, आपने, You दंड देना का, पनिश्ड खत्म है। वह आज नहीं आया है, वह आज नहीं आया है, तो has not come आज का today। क्लियर? समझ में आए? अब तीसरा बोलिए। जिस लड़की की यह कलम है वह अनुपस्थित है।
क्या करेंगे? देखिए ये आ रहे हैं अधिकार हक में, इसमें करेंगे द गर्ल हूज पेन इज ना इज एब्सेंट, कुछ छोटे हैं क्या? छोटे हैं जिस लड़की की यह कलम, यह को हमने नहीं लिखा, और क्या चीज? अच्छा अनुपस्थ, ये है ना, ठीक है चलिए। क्या यूज करेंगे? एन के बाद इट, नहीं देखा हमने ये, इट इज, अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, इज इज एब्सेंट। चौथा, जो किताब तुमने दी थी वह अच्छी नहीं। दी आप लोग देख लोगे, बुक से बोल रहे हो ना, देख लोगे है? जो किताब, अब यहाँ क्या आया? ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ऐसी चीजों में हम लोग क्या करेंगे? विच लगाएंगे, द बुक, द बुक विच, ऐसी कंडीशन में दैट को, ऐसी कंडीशन में दैट को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन दैट की दोबारा जब बताऊंगा ना तो इसकी डिटेल बताऊंगा है। जो किताब तुमने दी थी, द बुक विच तुमने दी थी, तुमने, यू यू क्या तुमने दी थी मुझे है? नहीं है, या चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं चाहो तो मत दो। द बुक विच या दैट यू गैव मी इज, यहाँ दे सकते हो, हमने नहीं दिया है, वह अच्छी नहीं है, इज नॉट गुड, बन गए। किताब को बंद कर दो, बंद हो गए सारे किताब, ठीक। इसमें बताइए क्या यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस की जो कंजंक्शन वर्ड है वो क्या लिखेंगे?
देखो गौर से देखो, क्या लिखेंगे यहाँ? हुज नहीं, फिर होम, ठीक। और इसमें हुज, और ये फर्स्ट देखो के एक्सरसाइज में आप लोग देखो के कि वाक्य को बनाने के पहले दो बार तीन बार पढ़ लेना। सारे लोग पढ़ लेंगे तुरंत पता चलेगा, या नहीं चलता है, नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, फिर भी बनाएंगे, है ना। बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बना नहीं बना, ठीक है, सारी चीज। बैक की चीज किन्हीं को कुछ करना है, बैक की चीजें किन्हीं को करने हैं, नहीं चलिए। इस एक्सरसाइज में केवल हो हूज which and that use करेंगे हम लोग। ओके, बना लीजिए पहले दो दिन तीन, हाँ दो से तीन दिनों के बाद एक बार इसी एक्सरसाइज को दोबारा फिर करूंगा। ओके,